हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मलाई वाले टिंडे। उसके लिए हमें चाहिए टिंडे, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, 3 चम्मच मलाई, जीरा, अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज, हरी मिर्च और टमाटर। अब हम एक गैस पर कढ़ाई गरम करेंगे। अब इसमें हम थोड़ा ऑयल डालेंगे। और इनको थोड़ा गर्म होने देंगे। अब हम इसमें जीरा डालेंगे। हरी मिर्च, फ्लेम हमें मीडियम ही रखनी है। अब हम डालेंगे प्याज, थोड़ा सा हम अभी से भूनेंगे। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। अच्छे से मिला लेंगे। थोड़ा टमाटर को पकने देंगे, उसके बाद हम इसमें मसाले मिक्स करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर और अब मिक्स करेंगे। अब हम इसमें नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब हम इसमें हमारे टिंडे डालेंगे। अब इसे फिर से मिक्स कर लीजिए। ये हमने सब्जी को मिक्स कर लिया है। अब इसे हम थोड़ी देर ढककर पकाएंगे। अब हमारे टिंडे पक चुके हैं। अब हम इसमें मलाई डालेंगे। 3 चम्मच मलाई डालेंगे हम इसमें। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमें इसे ज्यादा नहीं पकाना है, बस थोड़ी देर और पकाना है, लगभग 2 मिनट, और हमारे मलाई वाले टिंडे पककर तैयार है। ये देखिए, अब हमारे मलाई वाले टिंडे बनकर तैयार है। अब हम इसे एक प्लेट में सर्व कर लेंगे। अब हमारे टिंडे बनकर तैयार है। आप इसे पराठे या चपाती के साथ खा सकते हैं, और आप भी इस वीडियो को ट्राई कीजिए। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।